हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के सफर पर लेकर जा रहे हैं जो आबादी और क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का सबसे छोटा देश है। इस देश से ज्यादा जमीन तो हमारे देश के कई किसान भाइयों के पास होती है। एक ऐसा देश जहां पिछले 40 सालों से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है। वैसे तो इस देश की 100% जनता कैथोलिक क्रिश्चियन है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में यहां हिंदुओं का अस्तित्व हुआ करता था। इस देश में नागरिकों को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता है। ये एक ऐसा देश है जो शाम को पूरी तरह से बंद हो जाता है। एक बेहद छोटा सा देश होने के बावजूद इस देश की अपने खुद के सिक्के, पासपोर्ट, पोस्ट ऑफिस और रेडियो सर्विसेज मौजूद हैं, और इसे उन देशों की सूची में रखा जाता है जहां की नागरिकता प्राप्त करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इटली की राजधानी रोम के बीच में स्थित एक बेहद ही छोटे से देश वेटिकन सिटी की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट लीजिए अच्छे से और निकलते हैं वेटिकन सिटी की एक शानदार सफर पर। साल 2022 के ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार वेटिकन सिटी की टोटल पॉपुलेशन है 806। आपको बता दें कि वेटिकन सिटी क्षेत्रफल और जनता दोनों ही आधार पर दुनिया का सबसे छोटा देश है, और ये देश लगभग एक गांव जितना ही है। कुछ कुछ गांव में तो इससे भी ज्यादा लोग देखने को मिलते हैं। इस पूरे देश की बाउंड्री सिर्फ 2 किलोमीटर है, यानी आप 1 घंटे से भी कम समय में इस पूरे देश की बाउंड्री को पैदल ही घूम सकते हैं। इस देश में बोलचाल के दौरान इटालियन और लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, और धर्म की बात हो तो इस देश की 100% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है। ये देश सिंगापुर की तरह ही एक शहर ही है। भले ही इस देश की आबादी 1000 से भी कम है, इसके बावजूद हर साल 50 से 60 लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, और ये पूरी दुनिया में रहने वाले ईसाई लोगों के लिए एक पवित्र देश भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पोप फ्रांसिस यानी कि बिशप ऑफ रोम का निवास स्थान है और इस देश का मुखिया माना जाता है। वेटिकन सिटी की स्थापना हुई थी 11 फरवरी सन 1929 को, क्योंकि इटली और रोम के लोगों का ऐसा मानना था कि उनके धर्म गुरु किसी अन्य देश के अधीन नहीं रह सकते, इसीलिए एक स्वतंत्र देश का निर्माण किया गया और पोप को उसका मुखिया नियुक्त कर दिया गया। वर्तमान समय में जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो वेटिकन सिटी के प्रमुख है। यहां के सभी छोटे बड़े फैसले पोप के द्वारा ही लिए जाते हैं। वेटिकन सिटी एक ऐसा देश है जो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं है, लेकिन इसे एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, इतिहासकार पीएन ओक के अनुसार वेटिकन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द से हुई है, जिसका मतलब है वाटिका। साथ ही पीएन ओक का कहना है कि आज से सैकड़ों साल पहले इस स्थान पर हिंदू रहा करते थे, और आर्कियोलॉजी एक्सपर्ट्स को इस स्थान से खुदाई के दौरान एक शिवलिंग भी मिला, और शहर का नक्शा भी काफी हद तक शिवलिंग जैसा ही नजर आता है। भले ही ये एक छोटा सा देश है, लेकिन इसके पास अपना खुद का एक सुरक्षा बल भी मौजूद है। स्विस गार्ड पिछले 500 से ज्यादा साल से पोप की सुरक्षा कर रहे हैं। फिलहाल 135 गार्ड इस देश में तैनात है, और ये सभी गार्ड अपने परिवार के साथ वेटिकन सिटी में रहते हैं। वेटिकन सिटी में राष्ट्रपति भी होता है, जिसकी नियुक्ति पोप के द्वारा ही की जाती है। दोस्तों, हमारे देश भारत में कई ऐसे किसान हैं जो इससे ज्यादा जगह के मालिक हैं और खेती करते हैं। वहीं दूसरी ओर वेटिकन सिटी में कोई भी खेती होती ही नहीं, और ना ही किसी भी प्रकार की इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ मौजूद है, लेकिन फिर भी ये देश बहुत अमीर है। वेटिकन सिटी के अपने अलग नियम और कानून है। यहाँ पर शाम के बाद किसी भी पर्यटक को घूमने की आजादी नहीं होती। साथ ही इस देश में आने वाले सैलानियों को अपने कपड़ों का भी खास ख्याल रखना होता है। आप यहाँ पर स्लीवलेस शर्ट या फिर घुटनों से ऊपर की स्कर्ट या शॉर्ट्स पहनकर नहीं घूम सकते, और ये नियम महिलाओं और पुरुषों दोनों पर ही लागू होता है। साथ ही एक बात का और खास ख्याल रखें कि वेटिकन सिटी में घूमते वक्त आप किसी भी प्रकार के अश्लीलता ना फैलाएं, वरना इसके आरोप में आपको कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। लेकिन इस देश में नाइट लाइफ आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक पवित्र स्थान है, इसीलिए यहाँ पर रात के समय शोर शराबा, मौज मस्ती या फिर पार्टी की अनुमति नहीं होती है। वेटिकन सिटी की चौंकाने वाली बात यह है कि इस देश में नागरिकता जन्म के आधार पर प्रदान नहीं की जाती, क्योंकि सन 1983 के बाद से यहाँ पर किसी भी बच्चे का जन्म हुआ ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश में एक भी हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। जी हाँ, यहाँ के लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज के लिए रोम जाना पड़ता है, और वेटिकन सिटी में नागरिकता लोगों को काम के धर्म और काम के आधार पर दी जाती है। लेकिन जिन लोगों को काम के आधार पर यहाँ की नागरिकता दी जाती है, अगर उनके काम का समय खत्म हो जाता है यानी नौकरी का समय पूरा हो जाता है, तो उनकी नागरिकता रद्द कर दी जाती है और वे फिर इटली के नागरिक बन जाते हैं। आपको बता दें कि पूरी वेटिकन सिटी में सिर्फ एक ही एटीएम मौजूद है, और ये एटीएम लैटिन भाषा में है, और वेटिकन सिटी का अपना खुद का एक रेडियो स्टेशन भी मौजूद है, और इस स्टेशन पर 20 से ज्यादा भाषा में शो प्रसारण किए जाते हैं। साथ ही वेटिकन सिटी फिल्म मेकर्स को भी बेहद लुभाता है, और कई बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर
की जा चुकी है। एंजल्स एंड डीमंस 2012, हडसन हॉक जैसी फिल्मों की शूटिंग की गई है। वेटिकन सिटी उन देशों में आता है जहां साल भर में सबसे कम छुट्टियां होती है। इस देश में कोई नेशनल डे या कोई स्पेशल डे मनाया नहीं जाता। क्रिसमस और ईस्टर यहां पर पब्लिक हॉलीडे रहता है। इस दौरान लोग जमकर मौज मस्ती करते हैं। ये दोनों ईसाई धर्म के सबसे प्रमुख त्योहार माने जाते हैं। इसके अलावा न्यू ईयर के मौके पर भी यहां पर जश्न का माहौल नजर आता है। इस दौरान देश की हर कोने को अच्छे से सजाया जाता है। दोस्तों, वेटिकन सिटी के लोग खुले दिल के माने जाते हैं। लोगों की मदद करना इनके स्वभाव में ही होता है। आपको चाहे किसी भी चीज की जरूरत हो, यहाँ के लोग आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। और प्यार के मामले में भी यहाँ के लोग काफी माहिर है। जी हाँ, वेटिकन सिटी एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग तलाक नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर तलाक लेने का कोई नियम ही नहीं है और इस देश में ज्यादातर लव मैरिजेस होती है। वेटिकन सिटी के लोगों को फुटबॉल से काफी लगाव है। भले ही ये एक छोटा सा देश है, लेकिन इस देश की अपनी खुद की इंटरनेशनल टीम भी बनी हुई है जो कई देशों से बेहतर प्रदर्शन करती है। आपको बता दें कि वेटिकन सिटी में दुनिया का बेस्ट इटालियन खाना खाने को मिलता है। यहाँ का पास्ता और पिज्जा तो कमाल का ही होता है। इसके अलावा आप येलोफिन टूना फिलेट, एग प्लांट पमाजना, टोफू इंसलाटा और जुकीनी विद राइस रिकोटा जैसी डिशेस भी जरूर ट्राई करें। खाने के साथ आप इटालियन वाइन का स्वाद भी ले सकते हैं। वेटिकन सिटी एक ऐसा देश है जहां पर लोग वाइन का सेवन खूब करते हैं। यहां पर प्रत्येक व्यक्ति औसत तौर पर सालाना 74 लीटर वाइन पी जाता है। यहां पर गरीबी और बेरोजगारी का नामो निशान नहीं है। देश की ज्यादातर कमाई टूरिज्म सेक्टर से हो जाती है। इसके अलावा इटली के लोगों के पास ये अधिकार है कि अगर वे चाहे तो अपने टैक्स का 8% हिस्सा वेटिकन सिटी में दे सकते हैं। 800 लोगों के देश के लिए इतना पैसा बहुत होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्राइम रेट काफी ज्यादा है। पॉकेट मार, छोटी मोटी चोरी और चैन खींचना जैसी समस्या यहाँ आम हो गई है। कुछ अपराधी बेखौफ होकर यहाँ घूमते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वेटिकन सिटी में कोई भी जेल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता भी है तो उसे जज के सामने पेश किया जाता है, फाइन लगाकर या फिर कुछ अच्छी सबक देकर उसे छोड़ दिया जाता है। हालांकि अगर किसी ने कोई बड़ा अपराध किया है तो उसे इटली की जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, वेटिकन सिटी दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहां पूरे देश को ही यूनेस्को ने विश्व ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं वेटिकन सिटी के उन जगहों के बारे में जहां आप घूमने जा सकते हैं। यहां कुछ जगह बेहद प्रसिद्ध है जिनमें सबसे पहला नाम सेंट पीटर्स बेसिलिका का आता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है जो वेटिकन सिटी के बीच में बना हुआ है। ये चर्च वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। इसी चर्च के नीचे वेटिकन नेक्रोपोलिस जो इतिहास प्रेमियों को बेहद आकर्षित करती है। हर साल लाखों की संख्या में ये लोग चर्च देखने के लिए देश विदेश से आते हैं। सिस्टिन चैपल वेटिकन सिटी का एक पैलेस है और पोप का आधिकारिक निवास स्थान भी। इसका निर्माण सन 1473 से 1481 के बीच कराया गया। ये पैलेस अपने खूबसूरत पेंटिंग्स के कारण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर 120,000 से ज्यादा आर्ट पीस और पेंटिंग्स मौजूद है। यानी सारी तस्वीरों को देखने में 4 सालों से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। अगर आपको वाकई आर्ट पसंद है तो एक बार चिरमोंटी म्यूजियम भी जरूर विजिट करें। वेटिकन गार्डन की शांति और फूलों की खुशबू आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। इस गार्डन में सैलानी सिर्फ 1 घंटे तक ही घूम सकते हैं। वेटिकन म्यूजियम में से यहाँ आप पैदल आ सकते हैं। इसकी म्यूजियम की स्थापना सन 1807 में की गई थी। यहाँ पर 1000 से ज्यादा रोमन पोर्ट्रेट्स एंड स्कल्पचर्स रखे हुए हैं। और अगर आप एक बुक लवर हैं तो वेटिकन लाइब्रेरी आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ पर 1,000,000 से ज्यादा किताबों का संग्रह है। इनके अलावा आप पिनाकोटेहा, इजिप्शियन म्यूजियम और सेंट पीटर स्क्वायर जैसी जगह भी वेटिकन सिटी में घूमने के लिए जा सकते हैं। वाकई में ये जानकर आपको हैरानी हुई होगी कि भला इतने छोटे से देश में घूमने के लिए कितनी सारी जगह मौजूद है। वेटिकन सिटी में ट्रांसपोर्ट के बहुत ज्यादा साधन उपलब्ध नहीं है और आपको उनकी जरूरत भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप पैदल ही इस शहर की खूबसूरती का दीदार करना पसंद करेंगे। हालांकि इस देश में एक रेलवे स्टेशन मौजूद है जिसके ट्रैक की लंबाई केवल 300 मीटर है। साथ ही एक हेलीपैड भी वेटिकन सिटी में बना हुआ है। केवल VVIP मेहमानों के लिए इस हेलीपैड का इस्तेमाल किया जाता है। वेटिकन सिटी घूमने के लिए 1 दिन का समय पर्याप्त है। हालांकि अगर आप सभी म्यूजियम्स देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ घूमने के लिए 2 दिन का समय चाहिए। वेटिकन सिटी में रात को सैलानियों के रुकने के लिए केवल 1 होटल मौजूद है, या फिर आप मोनेस्ट्री में भी रात को रुक सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और वेटिकन सिटी घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा मिलने में 8 महीने या उससे ज्यादा का समय लग सकता है। और अगर आप अकेले हैं तो आपको वेटिकन सिटी घूमने के लिए 6 से 7 दिन में लगभग 1,00,000 के आसपास खर्च करने होंगे। हाँ, तो दोस्तों वेटिकन सिटी की करेंसी है यूरो। तो दोस्तों, ये था छोटा सा खूबसूरत देश वेटिकन सिटी। कैसा लगा कमेंट्स में हमें बताइए। क्या आपने कभी विजिट की है इसकी? और अगर की है अगर सैर, तो हमारे साथ इसका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। फिलहाल वीडियो पसंद आया तो लाइक की
कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।